देखिए देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई है। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई है। याचिका में कहा है, लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। पहाड़ों पर आंधी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंधी के कारण पेड़ गिरने से जम्मू कश्मीर में 4 और हिमाचल प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने व हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है। वहां उसका मुकाबला आज गत विजेता गुजरात टाइटंस से होगा। मुंबई की टीम लीग राउंड समाप्त होने के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर थी। उसे तीसरे स्थान पर रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से एलिमिनेटर में खेलना था। मुंबई ने फाइनल में पहुंचने की पहली बाधा पार कर ली और लखनऊ को एलिमिनेटर में हरा दिया। सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी में सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई यानी शनिवार को कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुल 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने की संभावना है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले विशेष सुरक्षा बल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। साथ ही जूनियर अधिकारियों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक रूपक कुमार दत्ता को सीमावर्ती क्षेत्रों सहित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गुरुवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। सूरत पुलिस ने शहर के एक प्रोफेसर की आत्महत्या के मामले में आंध्र प्रदेश की एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार महिला की पहचान जूही शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी महिला जुल्फिकार नाम के शख्स को पाकिस्तान में पैसे भेज रही थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि पाकिस्तान में हिंसा और गिरफ्तारियों में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। तुर्क ने जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मनमाने कानूनों के तहत की गई गिरफ्तारियां मनमानी हिरासत के बराबर है। सैन्य अदालतों में नागरिक मामले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है और 9 मई की घटनाओं की तत्काल पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत की कोयला खदानों में विस्फोट के बाद दम घुटने से 4 खदान श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। मीडिया के अनुसार बगलान में तालिबान खानों के प्रमुख अब्दुल्ला हामिद ने 2 घटनाओं की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 23 मई को अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के ताले, बरफक और जलगाह जिलों में 2 अलग अलग गैस विस्फोटकों में 4 कोयला खदान श्रमिकों की मौत हो गई। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।